हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त कन्नू। दोस्तों आज हम आए हुए हैं भीमताल में, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज पूरे देश में एक त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। दोस्तों इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं से पोंगल नाम से जाना जाता है, कहीं से खिचड़ी नाम से जाना जाता है, और कहीं से घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ पर इसे घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर मेले भी लगते हैं, जिसे उत्तरायणी कौतिक कहा जाता है। दोस्तों आज के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर लेते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, और उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे उत्तरायणी पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों इस त्यौहार में घुघुते एवं खजूर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आटा छान लेते हैं। दोस्तों अब मिला लेते हैं इसमें अजवाइन, अब मिला लेते हैं इसमें सूजी, और इसमें सौंफ भी मिला लेते हैं, और थोड़ा घी भी मिला लेते हैं इसमें, जिससे कि घुघुते या खजूर जो भी बनाए थोड़े मुलायम हो जाए, थोड़े खसखस से हो जाए। अब इसे बढ़िया करके मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बढ़िया करके मिल चुका है, और अब जो है ये गुड़ का पानी गर्म किया हुआ है, इसे इसमें डालते हैं और इससे इसे गूंधा जाएगा। तो आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, अब हम इसके घुघुते बनाते हैं। हमने बना दिया, अब हम बना रहे हैं खजरे। पहले इनको गोल करके रोटी की तरह बेल लिया है, और चाकू से जो है ना खजरे का शेप दिया जा रहा है। दोस्तों ये पक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों घुघुते बनके हो गए तैयार, और ये बना दिए मालाएं बच्चों के लिए। सुबह बच्चों को पहनाई जाएंगी और कौओं को खिलाने के बाद उसके बाद खुद खाई जाएंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा,
कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।